बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के शहर कसीम में दो छोटे छोटे गरीब भाइयों का एक ऐसा किस्सा बताऊंगा कि सिर्फ एक ट्वीट ने इन भाइयों के दिन कैसे बदल दिए। दोस्तों, ये किस्सा दो उन नहायत ही गरीब जुड़वा भाइयों का है जिनका नाम अब्दुल्ला अल महीस और इब्राहिम अल महीस है, जो कि सऊदी अरब के शहर अल कसीम में अपनी गुर्बत की वजह से चाय का स्टॉल लगाया करते थे। ये भाई पिछले 4 सालों से चाय का स्टॉल लगाकर चाय बेच रहे थे, मगर जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई तो इन भाइयों का ये स्टॉल भी बंद हो गया। फिर ये लगातार 3 माह तक बंद रहा, जिसकी वजह से इनके घर की माली हालत बहुत ही ख़राब हो गई। गुर्बत से तंग आकर इन भाइयों ने अपने इस स्टॉल की तशहीर के लिए अपनी एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर एक मारूफ शख्स से रब्ता किया। इस शख्स ने इस वीडियो को अपलोड करने के लिए 30,000 रियाल मांगे, लेकिन इन भाइयों के पास इस वक्त 30 रियाल भी ना थे। फिर इन भाइयों ने एक और सोशल मीडिया की बहुत ही मशहूर शख्सियत से रजू किया, जिनका नाम अब्दुल्ला अलमतेरी था। अलमतेरी ने इनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और वो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी। यहाँ वीडियो अपलोड होने की देर थी कि अहले कसीम के लोग इन दो भाइयों के स्टॉल पर पहुँच गए। रश इतना ज़्यादा हो गया कि ट्रैफिक जाम हो गई और ट्रैफिक पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और स्टॉल तक पहुँचने के लिए इन लोगों की लाइनें बनवाई गई। फिर यहाँ से इन दोनों भाइयों के दिन बदल गए। एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन दो भाइयों को एक बहुत बड़ी गाड़ी गिफ्ट की और एक और शख्स ने इनके टी स्टॉल को फूड ट्रक के तर्ज का बनाने का वादा किया। और फिर इनके इस स्टॉल से दिन की लाखों रियाल में चाय, मशरूबात और दूसरे आइटम की फरोख्त शुरू हो गई।